जुल्फों के साये में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। जुल्फों के साये में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। इस बेकरारी में आए करार, इस बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के हो, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो में, इसलिए 5:30 के बदले अभी मैं वीडियो को अपलोड किया हूं, और माफ़ी चाहता हूं इसके लिए, थोड़ा सा विलम्ब होने के लिए इंटरनेट के वजह से ऐसा हुआ था, नेट चल नहीं रहा था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को पूरा देखते हैं और मज़ा लेते हैं इस क्लास का। बहुत ही अच्छे से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर भी आया हूँ, सारे चैप्टर से मिलाकर मैं क्वेश्चन लाता हूँ, अभी मिसलेनियस आपको करवा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जो आपका आज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है बगल में। सवाल कहता है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट, 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। सहपाठी माने उसके जो क्लास साथी हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांटा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो शिवा के पास 24 गो चॉकलेट है, समझ गए होंगे, 36 गो बिस्किट है और 60 गो आइसक्रीम है। इसको अपने सहपाठियों में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि सबको बराबर बराबर संख्या में मिले, नहीं बराबर बराबर संख्या में मिले, यानी 24 गो जो आपका चॉकलेट है 24ों को बांटे तो सबको पूरा मिले। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को 4 गो और किसी को 3 गो या किसी को 3.5 गो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर बराबर। यानी उसी तरह 36 को भी बांटेंगे, 60 को भी बांटेंगे। बांटने का मतलब इन सब को डिवाइड करना है, नहीं तो डिवाइड कौन करता है? एलसीएम कट जाता है लेकिन एचसीएफ काट देता है, यानी इसको डिवाइड करना है। कौन ऐसा संख्या होगा बड़ा से बड़ा जो इन सब को डिवाइड करेगा, यानी कि हमें इसका एचसीएफ बनाना होगा दोस्तों। तो 12 इसका एचसीएफ आराम से हो जाएगा, 12 इसको भी इसको भी इसको भी काट देगा, 12 3 36, यानी उसके 12 अगर सहपाठी होंगे तो 12 3 36, 3 गो चॉकलेट सबको, सॉरी 12 2 24 है, ये 12 3 36 है, 12 25 8, माने 2 गो टॉफी, 3 गो बिस्किट और 5 गो आइसक्रीम सबको मिल जाएगा अगर 12 फ्रेंड होंगे, यानी 12 सहपाठी होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और 100 मत से हारता है मतों की कुल संख्या, बेचारा हार गया है। सुनिएगा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जो कि एक 40% वोट प्राप्त किया और 100 मत से हार गया। लीजिए 2 प्रत्याशी हैं, एक ने अगर 40% मत प्राप्त किया होगा तो दूसरा निश्चित है कि 60% प्राप्त किया। अब बताइए इस 60 है 40, तो कितना मत से हारा? 20% से हारा। तो चूंकि प्रतिशत में तो हार 20% से हुआ और रियल में 100 मत से हुआ, तो दोस्तों इसीलिए टोटल वोट निकालना है तो 100% का मान, 20 का कितना गुना होता है? 5 गुना, तो 100 का 5 गुना कितना होगा? 500, यानी टोटल वोट की संख्या 500 है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगला अगला देखिए, अगला
किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 है तो कुल छात्र की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए ना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला दूगो सब्जेक्ट देगा, कभी कभी कैसा रहेगा सुन लीजिए, मैथ इंग्लिश दे देगा, मैथ भूगोल दे देगा, यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट देगा, कभी कभी तो ऐसा भी रहेगा चाय कॉफ़ी पर भी रहेगा कि इतना परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतना परसेंट कॉफ़ी पीते हैं, इतना परसेंट दोनों पीते हैं, कितना परसेंट है कि दोनों नहीं पीते हैं, चाहे उसमें से ये भी रहेगा कि इतना परसेंट चाय पीते हैं, इतना परसेंट कॉफ़ी पीते हैं, इतना परसेंट दोनों नहीं पीते हैं तो कितना है जो दोनों पीते हैं, या दोनों देगा तो दोनों, दोनों पीने वाला देगा तो दोनों के न पीने वाला पूछेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, अखबार पर भी दे देगा कि 40% लोग हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं, 60% दैनिक जागरण पढ़ते हैं और 20% है जो दोनों पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत है कि दोनों नहीं पढ़ते हैं। यानी दो सब्जेक्ट का जब भी चर्चा होता है आप एक फार्मूला दिमाग में लिख लेना, कॉपी पर नहीं, कॉपी पर लिख लो अभी लेकिन दिमाग में लिख लेना, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, हाँ, फेल बराबर अरे फेल प्लस फेल और माइनस फेल। सुनिएगा बात को सुनिए, हाँ, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। दोस्तों ये पहला विषय का लिखिएगा, ये दूसरा विषय का, ये दोनों के लिए बहुत, जो दोनों का चर्चा होगा उसी को घटाते हैं, फर्स्ट विषय के लिए, सेकेंड विषय के लिए और ये दोनों के लिए, यानी बहुत लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों के लिए उसको यहाँ पर लिखना है। एक बात और दिमाग में रखना है कि जब पास पूछेगा तब फेल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और फेल पूछे तो पास वाला अप्लाई करना है। इस सवाल में 40% लास्ट में कहता है उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 है, यानी दोनों विषय में 40% क्या हुआ है, पास हुआ है, 40% दोनों विषय में पास है, पास है 40% दोनों विषय में, तो आपको दोनों विषय में पहले निकालना होगा फेल कितना हुआ। और देखिए जबकि बोला है 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी 90 छात्र दोनों में फेल हुआ, तब पास वाला फॉर्मूला लगाना, उल्टा काम करना। सुनिए, अरे फेल तो छात्र आपका हुआ है कितना, 90 छात्र दोनों विषय में। तो सुनिए, जब आपको फेल वाला दिया हुआ है तो फेल वाला ही निकालना है, लेकिन हम पास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर हम पास लिखेंगे बराबर पास, तो 65% पास हुआ सामाजिक विज्ञान में, 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुआ तो 60% ये भी पास हुआ, अब माइनस लिखेंगे जो दोनों में पास। अब कहता है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 है, 40 दोनों विषय में, तो 60 में से 40 गया 20, 65, 85, यानी 85% तो पास है। अब आपको लिखना है फेल इन बोथ सब्जेक्ट, अरे फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितना। सुनिए दोस्तों, टोटल स्टूडेंट होता है 100%, उसमें से पास है 85%, है ना, यानी फेल हो जाएगा 15%, ऐसा होगा जो किसी विषय में पास ही नहीं हुआ, क्योंकि सब मिलाकर 85% पास है तो 15% फेल हो गया दोनों विषय में। अब कहेंगे चूंकि 15% विद्यार्थी पास नहीं, फेल हो गया, 15% फेल हो गया है और रियल में 90 गो फेल हो गया है, अरे ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये दोनों फेल है, इसीलिए आपस में बराबर। अब निकालिए 100% का मान, तो सुनिए ये 15 का कितना गुना, 6 गुना, तो इसका 6 गुना 600 ना हो जाएगा, यानी 600 विद्यार्थी, आ नहीं तो 90/15 आ गुने 100 करते, 15 × 6 = 90 हो गया ना 600, ऐसे भी हो जाता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, बहुत अच्छा शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कितना मजा आता है भाई गणित पढ़ने में, बोलिए तो इतना मजा,
और आप लोग कल कह रहे थे पिछली वीडियो में, अच्छा एगो गलती हो गया था स्विमिंग पूल वाला, तो स्विमिंग पूल वाला सवाल में हम घनाभ का तो एरिया वाला फार्मूला लगा दिए, लेकिन एगो मिस्टेक हम कर गए, मतलब हमको ध्यान में नहीं रहा चला। आ गलती हो जाता है तो मतलब ये रिकॉर्ड हो जाता है ना, ऐसे गलती होता आदमी सुधार कर ले, रिकॉर्ड हो जाता है। जब स्विमिंग पूल है तो छतरी थोड़े होगा, छतरी होगा नहीं, यानी एल बी घटा देना था पूरे एरिया में से, ठीक है, पूरे एरिया में से एल बी घटा देना था, चारों दीवार होता नीचे पेंदा होता, यही बात ना, तो एल बी घटा देना था जितना एरिया था, अब 25 रुपये था तो 25 से गुना, आप लोग किए थे कमेंट, अच्छी बात है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे दिमाग से निकल गया था, फार्मूला तो वही लगता और उसमें से वो एल बी ऊपर वाला छतरी हटा देते। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण का जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण कितना होगा। सुनिएगा, ये माध्य जो है ना एक प्रकार का औसत ही है, तो योग बराबर आपको याद है, योग बराबर फॉर्मूला एवरेज इंटू एन होता है, यानी ये माध्य जो है एवरेज ही है, ठीक है। तो 14 प्रेक्षण का माध्य 11 है, तो 14 गुना 11 कर दें तो 14 प्रेक्षण का योग हो गया। अब कहता एक प्रेक्षण और जोड़ दिया जाए तो माध्य 12 हो जाता है, एगो प्रेक्षण और जोड़ेंगे तो प्रेक्षण 15 हो जाएगा, अब माध्य बोला है 12, तो चलिए अब 15 के योग में से 14 गो का योग घटा देंगे तो एगो 15वां ना बच जाएगा, बच जाएगा 15 × 12 180, और 14 × 11 ₹1,400 × 4 = 154। चलिए 10 में से 4 गया 6, बच गया 17 में से 15 गया 2, यानी 26 आपका आंसर, आंसर हो गया ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। आइए माध्य एवरेज ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से निर्मित केंद्र की कोण की माप 60 डिग्री है, चाप का क्षेत्रफल क्या होगा। सुनिएगा, चाप का क्षेत्रफल पूछा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड में चाप से निर्मित केंद्रीय कोण की माप 60 डिग्री है, केंद्रीय कोण की माप कितना है दोस्तों 60 डिग्री, तो ये कोण दे दिया है 60 डिग्री। अब सवाल कहता है केंद्रीय कोण की माप 60 डिग्री, चाप का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो चाप है ना, इस चाप से जो इधर बना है ई वाला क्षेत्रफल, ये वाला हम लोग का एरिया पूछा जा रहा है, यानी त्रिज्यखंड का एरिया। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा होता है 360 डिग्री होता है वृत्त, केंद्र पर पूरा एक चक्कर लगे 360 का कोण बन जाता है यहाँ केंद्र पर, आई 60 डिग्री जो हुआ कैमा भाग हुआ, तो काटिएगा 1/6 भाग हुआ, यानी पूरे वृत्त के एरिया का 1/6, तो आपको इसमें वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तब पूरे वृत्त का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका हमें 1/6 निकालना है, क्योंकि थीटा 360, तो पाई और यहाँ रखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 गुना 1/6, 6 से कट गया यानी 6 पाई हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ, चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला सवाल। कहता है ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है, ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, कुल वार्षिक लाभ 847 रुपए है, तो ए का अंश कितना होगा। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी, और इसने 1/3 पूंजी कैसे लगाया है, 1/3, 1/4, 1/5, दोस्तों ये भिन्न में है ना, पूर्णांक में ले आइए, तब पूर्णांक में ले आइएगा तो इसका धन कितना हो जाएगा, सुनिए ढकढकिया नियम भी लगा सकते हैं, अंश सबके समान है तो ढकढकिया नियम, सुनिए ए का पूर्णांक में लिखना है तो ए वाला वैल्यू ढकिए 4 × 5 = 20, इसका धन, इसका धन कितना 5 × 3 = 15, यानी जिसका निकालना है उसके सामने वाला ढक देना है, आ 3 × 5 = 15, यह ढकढकिया नियम है, इसका निकाला इसी को ढकिए आ 3 × 4 = 12, नीचे वाला गुना कर लीजिए 20, 15, 12, एक संख्या से नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, यानी आप कह सकते हो कि ए का धन 20 रुपया रहा होगा तो बी का 15 रुपया, सी का 12 रुपया, अरे 15 12 रुपया में ही नहीं बोल सकते, लाख में भी इसमें बोल सकते हैं कि अगर इसका 20 लाख तो इसका 15 लाख, इसका 12 लाख, इसका 20 करोड़ तो इसका 15 करोड़, इसका 12 करोड़, इसका 20 अरब, रहने दीजिए अरब में नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं इतना आगे नहीं सोच सकते। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
इसमें सवाल क्या कहता है, ये चार महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है और कुल वार्षिक लाभ है 847 रुपया, ये जो है ना चार महीने बाद आधा ले लेगा, तो चार महीना तक पूरा पूंजी रहेगा ना। और सुनो, लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी तथा समय के गुणनफल का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है, यानी पूंजी और समय को गुना करने से लाभ होता है दोस्तों। इसका 20 पूंजी पहले चार महीना रहेगा, उसके बाद आधा पूंजी निकाल लेगा तो आधा बचेगा ना, वो रहेगा 8 महीना, 4, 8, 12 महीना, एक वर्ष हो गया। इसका 15 पूंजी टोटल 12 महीना रहेगा और इसका 12 पूंजी 12 महीना रहेगा, क्योंकि ये लोग पूंजी नहीं निकाला है बी और सी दोस्तों। 20 चौका 80, 8 दहाई 80, 160 हो गया, 8 दहाई 80 और 20 चौके 80, एक कितना हो गया 80 160। इसका लाभ ये हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो, लाभ के रेशियो कहेंगे। अब इसका हो गया 15 × 12 तो 180, 12 × 12 है 144। काट सकते हैं, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। आइए दोस्तों इसे काटते हैं, तो 4 से अगर काट दिया जाए तो 4 चौके 16, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 3 12, 4 छके 24, 40 45 36 बार में अब नहीं कटेगा। तो यानी कि अगर इसको मिलेगा 40 रुपया के लाभ ए को, तो बी को 45 और सी को 36, सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है भाई, सबको जोड़ दिया जाए 6 5 11 के 1 हासिल, 1 3 4 7 4 11 1 12, यानी 121 हो गया अनुपात में तीनों का कुल लाभ। आ जबकि तीनों का कुल लाभ 847 है, अरे दोनों लाभ है इसलिए आपस में बराबर, ये भी टोटल लाभ, ये भी टोटल लाभ। अब अनुपात एक का वैल्यू इससे काटेंगे तो 7 बार में 7 = 7 = 12 = 84, 1 का वैल्यू 7, हमें एक का हिस्सा पूछा है, 1 का वैल्यू 7 है, अनुपात 1 का मान 7 है, तो 40 का मान हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 280, क्योंकि 1 के वैल्यू 7 तो 40 के वैल्यू कितना 7 से गुना कर दिए, 280 रुपया हो गया। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तब तक हम मिटा देंगे, लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कि अखिया लरल बजब से है दिल में करार नहीं खे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3740 को 3 भाग में इस तरह से विभाजित किया जाए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 6वां भाग आपस में बराबर हो। तो लीजिए सबका हिस्सा पूछा है आपसे, सवाल है कि 3740 को 3 भाग में बांटना है, यानी टोटल हिस्सा है 3740 रुपए। आप लोग कहते हैं ना कि सर पंखा चला लिया कीजिएगा जब आप पढ़ाते रहते हैं और इतना पसीना बहता है, हाँ इसी पसीना के बहने से मुझे फीवर भी हो जाता है, पिछले बार हो गया था अभी कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले, लेकिन फैन चलाने पर क्या होता है ना कि आपको साउंड खराब मिलेगा, झड़झड़ाहट आएगी, फैन की आवाज़ आएगी, तो इस वजह से हम फैन बंद रखते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते समय। आइए दोस्तों, और ये पसीना बहाकर हम अगर पढ़ाते हैं तो आप भी पसीना बहाकर पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों 3740 को 3 भाग में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, यानी मान लेते हैं 3 गो भाग ए बी सी, ठीक है 3 भाग ए बी सी, पहला दूसरा तीसरा भी मान सकते थे, पहला का आधा ठीक है और दूसरा का 1/3, लीजिए दूसरा का 1/3 और चौथा का 1/6 और तीसरे का 6वां भाग, यानी इसका 6वां भाग आपस में बराबर है दोस्तों। यानी हो गया ए बाई टू बराबर बी बाई थ्री बराबर सी बाई सिक्स। सुनिएगा रूल है, रेशियो में इसको बैलेंस करना बड़ा आसान बात है, इसको पूर्णांक में लिखिए, बट्टा में है ना, तो जब बट्टा में रहे ना बीच बीच में बराबर, तो जिसके बट्टा में जो है वही उसका वैल्यू हो गया, यानी इसका हिस्सा 2 तो इसका हिस्सा 3 और सी का हिस्सा हो गया 6। दोस्तों 3740 को बांटना है 2 3 5 5 6 11, अनुपात में तीनों का योग 11 है, जबकि तीनों का योग 3740 है, ये तीनों योग है इसलिए आपस में बराबर। अब अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो कट जाएगा 34 बार में ठीक है, यानी 10। अब दोस्तों देखिए,
अनुपात एक का वैल्यू हो गया, अब दो का वैल्यू 34 दूना 68 10, तीन का वैल्यू 34 3 4 3 12 3 3 9 1 10, 10 सौ 20। इसका वैल्यू ये तो जीरो होगा ही, 6 6 24 4 2 36 18 2 20 20 40, यानी हमारा हो गया 680 10 20 20 40। आपका आंसर निकल के ऑप्शन ए आ गया दोस्तों, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला सवाल। सवाल है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्ष बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज माने साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो धनराशि थी, सुनिएगा, यानी वो मूलधन आपसे पूछा गया है। सवाल कहता है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%। कहता है कि अगर आप कर्ज लेते हैं ना, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है वो आपको समझा रहा है कि सुनो हमको ब्याज लेने का अलग तरीका है, इसे नहीं देते हैं ब्याज। कहता है कि हम क्या करेंगे, प्रथम 2 वर्ष तक 4% के दर से और उसके बाद के 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चलेगा, और फिर 6 वर्ष के बाद माने 2 साल 4 साल बीत गया, अब 6 वर्ष के बाद 8% वार्षिक चलेगा। यदि 9 वर्ष में 1120 रुपया आया है दोस्तों, यानी 9 ईयर का ब्याज है कितना 1120 रुपया, तो हम 9 वर्ष का परसेंटेज ब्याज निकालेंगे कैसे, प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, तो 4 दूना 8% ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष में 4 दूना 8%, क्योंकि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज R इंटू टी होता है, साधारण ब्याज क्या होता है R इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज। जैसे रेट अगर 5% है और टाइम अगर 3 वर्ष है तो 5 15% ब्याज हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज। तो सुनिएगा, 2 वर्ष में 4% के दर से 4 दूना 8%, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 6 6 24% 4 वर्ष का 4 2 6 साल हो गया, और 6 वर्ष के बाद के 8% वार्षिक और 9 साल रखा है, तो 2 साल 4 साल बीत गया, 2 साल 4 साल यानी 6 साल बीत गया, तो 9 साल के लिए 1120 रुपया है, यानी 2 साल और 4 साल यानी 6 साल के बाद तीन साल तक न लेगा वो 8% के रेट से, यानी 3 वर्ष में 8% के दर से फिर 8 3 24% ब्याज होगा। सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल ब्याज कितना 24 24 48 8 56, नहीं तो 56% ब्याज हुआ। अब चूंकि हम कहेंगे कि ब्याज तो हुआ 56% 9 साल में दोस्तों, 2 4 6 8 3 9, 9 साल में 56% ब्याज, जबकि रुपया में 1120 रुपया ब्याज, ये दोनों ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकाल देंगे तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन यानी 1120 बट्टा हुआ हमारा 56 गुना 100, अरे 56 दूना 112 यानी 20 गुना 100 हो गया आपका 2000 मूलधन, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ें, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो सुनिए ना, यहां रेट दिया हुआ है ना 10%, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम पूछा है, कहता है ब्याज दुगना हो जाएगा, तो सुनिए, जब धन कोई दुगना हो रहा है ना, तब ब्याज 100% होगा, ब्याज होगा कितना 100%। मान लीजिए आपने 1000 रुपया लगाया और दुगना होने का मतलब 2000 होना, यानी जितना आपने लगाया था उतना ब्याज भी आपको बढ़ा, नहीं दोस्तों, अगर 1000 आपने लगाया तो 1000 ब्याज बढ़ेगा तब ना दुगना होगा, 1000 धन दुगना होने का मतलब 2000 होना, यानी जितना आपने कर्ज लगाया उतना ब्याज हुआ, तो 100% वृद्धि हुआ, इसलिए अगर मूलधन दुगना हो गया
तो 100% ब्याज हुआ। और आपको निकालना है टाइम, तो परसेंटेज ब्याज में अगर रेट से भाग दे दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, और टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट निकलेगा। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 0 से 0, यानी 10 वर्ष हुआ। आपका आंसर कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। तो दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि जब दुगुना तिगुना चरगुना पचगुना सवाल वाला रहेगा ना, तो जितना गुना कहे उसमें एक हटा के 100 सटा के प्रतिशत में बोलना है। जैसे सुनो, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1.5 गुना, ठीक है? तो 3 गुना अगर हो तो 3 में 1 हटाओ 2, 100% कहना ब्याज होगा। हम क्या बोले, जितना गुना कहे उसमें 1 हटा के 100 सटा के, 3 में से 1 गया 2, 100% ब्याज होगा। 4 गुना 4 में 1 हटाओगे 3, 100% कहना। इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, 300%, कोई दिक्कत आपको? 5 गुना कहे इसमें 1 हटाओ बचा 4, 100% कहो ब्याज। यानी कि जितना गुना होगा उसमें 1 हटाना है 100 सटाना है, प्रतिशत ब्याज निकल कर आ जाएगा। अगर आपसे कहे कि 5 वर्ष में कोई धन, 15 वर्ष में मान लो टाइम दिया 15 वर्ष, अब 15 वर्ष में 3 गुना हो गया तो रेट कितना था? 3 गुना हो गया। दोस्तों अगर 3 गुना धन हो जाए ना तो 200% हुआ परसेंटेज ब्याज, ठीक है? अब परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग दे देंगे, रेट निकल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 40 बार में। अब 40/3%, यानी 13.1/3% हमारा रेट हो जाएगा। अगर सवाल ऐसा रहता कि 15 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो रेट बताइए, रेट हो जाएगा 13.1/3%, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं और आपको मैं सही से गणित सिखा पाता हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपके शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, और इससे क्या होगा कि वैसे विद्यार्थी जो महंगे महंगे फी देकर कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते तो हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, जिन्हें मैथ नहीं आता है, हम मैथ जिन्हें नहीं आता है उन्हें पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ। और हाँ, आप लोग का फरमाइश था कि सर 2018 का क्वेश्चन करवा दीजिए जरा, 2018 में कोनो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो अल्तुआ फलतुआ से नीचे कभी कभी कमेंट करता है, इतना आसान नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछा है। अब अगला वीडियो में हम आपको 2018 का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में उसको लेकर हम आ रहे हैं अगली वीडियो में, तो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2018 में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, और आप सभी से हाथ जोड़कर हमारा आग्रह है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक का भी बटन है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।